मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय समीक्षा के क्रम में ऊर्जा विभाग से कहा है कि सोलर पावर प्लांट का बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में सोलर पावर प्लांट को बिजनेस मॉडल के रूप में स्थापित किया जाए। उन्होंने इसके लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। सोलर पावर प्लांट के लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन चिन्हित करने की दिशा में जिलों के उपायुक्तों को आवश्यक कदम उठाने को कहा है। गिरिडीह को सोलर सिटी घोषित किया गया है। उपायुक्त बंजर भूमि, जलाशयों और नहरों को चिन्हित कर सूचित करें ताकि सोलर प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। यूएमपीपी तिलैया के लिए कोडरमा और हजारीबाग जिले में अधिग्रहित भूमि की पहचान, सत्यापन और उन्हें अतिक्रमण से मुक्त करने का कार्य पूर्ण करे। ऊर्जा विभाग ने सोलर पावर प्लांट, सोलर फ्लोटिंग सिस्टम, बिजली बिल की वसूली और ऊर्जा से संबंधित अन्य योजनाओं की जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई है। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय समीक्षा के क्रम में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की है। इसमें विशेष रूप से छात्रवृत्ति योजना, वन अधिकार अधिनियम, छात्रावासों की मरम्मत और जीर्णोद्वार की योजनाएं शामिल है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति मिले, इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए फॉर्मेट के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 474 छात्रावासों की मरम्मतीकरण और जीर्णोद्वार की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके लिए राशि जारी कर दिए गए हैं। इन छात्रावासों की मरम्मत का काम समय पर पूरा होना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चलाई जा रही है। उन्होंने इस योजना से संबंधित लंबित आवेदनों पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इस योजना को प्राथमिकता देते लंबित आवेदनों का जल्द निपटारा का निर्देश दिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।